जय श्री कृष्णा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मास चल रहा है, वैसे तो इसका हर दिन महत्वपूर्ण होता है, पर अधिक मास की पूर्णिमा का स्नान दान के लिहाज से बहुत महत्व होता है। अधिक मास की पूर्णिमा 1 अक्टूबर गुरुवार को यानी कि कल है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का व्रत किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, साथ ही उनकी कथा भी सुनी जाती है। इस दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान और दान पुण्य का महत्व है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है और वैसे भी यदि आप कहीं ना जा सकें तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और पवित्र तीर्थों को याद करें। अधिक मास पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 12:25 पर हो जाएगा और वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर गुरुवार को देर रात 2:34 तक रहेगी। लक्ष्मी नारायण का पूजन का मुहूर्त। लक्ष्मी नारायण पूजन अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे शुभ होगा। यह मुहूर्त 1 अक्टूबर को प्रातः 11:52 से 12:40 तक रहेगा। अधिक मास पूर्णिमा पर बन रहा है शुभ योग। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। हिंदू पंचांग गणना के अनुसार 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ गुरुवार के दिन का संयोग बेहद प्रभावशाली है। ऐसे करें श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्रों की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। पूजा के लिए एक चौकी पर आधा लाल और आधे पीले रंग के कपड़े को बिछा लें, अपना आसन बिछाएं। इसके बाद लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी और पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध से पूजन पहनाएं। सुगंधित पीले और लाल पुष्पों से बनी मालाएं पहनाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। सुहाग की समस्त सामग्री भेंट करें। मखाने की खीर और शुद्ध घी से बने मिष्ठान का नैवेद्य लगाएं और लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी सुने। अधिक मास पूर्णिमा व्रत के क्या लाभ होते हैं ये भी जान लेते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं और इस महीने उनकी आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत जीवन में समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। यह व्रत यदि धन की प्राप्ति की कामना से किया जाए तो यह अवश्य ही पूरा होता है। जबकि अविवाहित कन्या या युवक व्रत करे तो उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ही शाम को पूर्णिमा के दिन तुलसी में दीपक लगाएं और उसकी परिक्रमा करें। साथ ही चंद्रोदय जब हो जाए तो पूर्णिमा को संध्या के समय रात्रि में जब भी आपको लगे तो चंद्रमा को भी अर्घ दें। कच्चे दूध का भी उन्हें अर्घ दें तो यह भी आपके लिए बेहद फलदायी होगा। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी अवश्य करनी चाहिए। भागो आटे की पंजीरी या हलवे का भी भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। अधिक मास में भगवान विष्णु के साथ साथ ही शंकर जी, श्री कृष्ण, श्री राम और श्री हनुमान जी के साथ अन्य देवी देवताओं के भी पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा पर घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। घर में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहिए। अधार्मिक कार्यों से बचें। घर परिवार और समाज में किसी का अनादर ना करें। छोटे बड़े सभी लोगों का सम्मान करें। और जो ये पवित्र परम पावन अधिक मास चल रहा है उस पूर्णिमा का अपने जीवन में लाभ उठाएं, दीप दान करें, भगवान की पूजन में मन लगाएं, जप करें। यह सारी चीज़ें करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह जानकारी थी पूर्णिमा के दिन आपको कैसे पूजन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।